किसान साथियों नमस्कार, आप सबका हार्दिक स्वागत है अमेजिंग किसान के यूट्यूब चैनल में। किसान साथियों, अमेजिंग किसान ने एक मुहिम शुरू की थी नीमाटोड की दवाई की। मेरे पास बहुत किसान भाइयों के फ़ोन आए हैं और उन्होंने वीडियो भी भेजी है कि जी हमने अपने जो अमरूद में हमारे यहाँ नीमाटोड आया था उस पर हमने वेलम प्राइम की जगह हमने निस्टोड दवाई का प्रयोग किया है। ऐसे दो किसानों ने मुझे वीडियो भेजी हैं और ये बताया है कि निस्टोड से उनको किस प्रकार फ़ायदा हुआ। आइए देखते हैं इन दोनों किसानों की वीडियो। नमस्कार जी, मेरा नाम सोमवीर है, हरियाणा का रहने वाला हूँ मैं। रोहतक मेरा डिस्ट्रिक्ट है और बाली मेरा गांव है। इस बाग में निमेटोड की समस्या आ गई थी और पूरा बाग पीड़ा पड़ गया था और ये निस्टोड दवाई मंगाई है, ये लगाई है। 15 दिन के बाद ये रिजल्ट है, पूरा बाग हरा भरा हो गया है। हेलो, मेरा नाम अभिषेक कुमार वैष्णव है, मैं राजस्थान के अजमेर ज़िले के स्यार गांव से बिलोंग करता हूँ। ये बागवानी है मैं हमारी अमरूद की, जो कि मेरे पिताजी रामोतार जी वैष्णव ने 2015 में लगाई थी। इसमें लगभग 800 पौधे हैं, उनमें बर्फकान गोला, हिसार सफेदा और इलाहाबादी सफेदा के पेड़ हैं। इसमें क्या हुआ था, 2-3 साल पहले एक बीमारी ने एंटर किया था। हमने एक्सपर्ट को बुलाया, उन्होंने बताया कि ये निमाटोड नाम की बीमारी है, उसके लिए मैंने उन्होंने दवाई बताई थी हमें वेलम प्राइम, और इसके अलावा मैंने कार्बोफोरान, कार्बन डाइजिम, काफ़ी तरह की दवाइयाँ यूज़ की, लेकिन हमारे रेगुलरली प्लांट ख़त्म होते गए, पौधे जा रहे थे पर रुके नहीं। हालांकि वेलम प्राइम से कुछ असर देखने को मिला, लेकिन वो ज़्यादा समय तक नहीं टिका, फिर भी पौधे रेगुलरली जा रहे थे। लगभग ऐसे मेरे 600 पौधे 800 में से ख़त्म हो गए, तो हमने वापस से नई प्लांटेशन की है, लेकिन फिर बाद में साल भर बाद में वो पौधे भी रेगुलरली जा रहे हैं। तो आज मुझे एक दवाई के बारे में आपको बताना है, जो कि मैंने अहमदाबाद के जो तुषार भाई है उनसे मंगवाई है ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू। मैं क्या त्यागी जी के वीडियो देखता हूँ, तो उन्होंने, अनिल कुमार जी त्यागी के, उन्होंने अपने एक वीडियो में इस दवाई का जिक्र किया था, तो मैंने मंगवाई है और इस दवाई को यूज़ भी किया है। पर प्लांट जो बड़े प्लांट है मेरे, जो 200 बचे थे उनमें 10 ml के हिसाब से, और जो छोटे प्लांट है उनमें 5 ml के हिसाब से। आप देखिए, ये एक निस्टोड है और एक उन्हीं की, तुषार भाई की, एक किक है फंगीसाइड। ये दोनों दवाई मैंने यूज की है, पहले निस्टोड लगाई थी और एक दिन बाद में मैंने किक यूज़ की है। इसको मैंने ड्रेंचिंग माध्यम से पर पौधे में लगाई है, पहले पानी चला दिया था, थोड़ी नमी बना दी थी, उसके ऊपर से मैंने दवाई चलाई है 1 लीटर पानी में 10 ml मिला के बड़े पौधों में, और 1 लीटर पानी में 5 ml मिला के छोटे पौधों में। इस तरह से मैंने ड्रेंचिंग की है, ड्रेंचिंग सिस्टम से दवाई लगाई है, तो इसका काफ़ी बेहतर रिजल्ट मिला मुझे। मेरे पौधे हरे भरे हो गए हैं, नई कलियाँ आने लगी हैं और काफ़ी सारी फ्रूटिंग भी आने लगी हैं। आपको मैं दिखाता हूँ, ये मेरी बागवानी है, ये देखिए। और ये मैंने, ये छोटे पौधे जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये मैंने नई प्लांटेशन की है, और मेरे इस तरह से ये आपको दिखाई दे रहे होंगे, नई फ्रूटिंग भी बनने लग गई। अब ये देखिए, नई फ्रूटिंग बनने लग गई और कुछ अमरूद भी हरे भरे हो गए। मेरी बागवानी काफ़ी अच्छी हरी भरी हो गई है, और छोटे प्लांटेशन को भी दिखाता हूँ मैं। तो कुल मिला के इसका काफ़ी बेहतर रिजल्ट है, ये वेलम प्राइम से काफ़ी सस्ती भी है, और मैं यही कहूँगा कि बहुत अच्छी दवाई है, और शुक्रिया करना चाहता हूँ तुषार भाई और त्यागी सर का, थैंक यू। किसान साथियों, अभी आपने देखा कि इन दोनों किसानों ने निस्टोड का किस प्रकार प्रयोग किया, और एक किसान ने तो जो अजमेर के रहने वाले हैं कि इन्होंने वेलम प्राइम का पहली बार प्रयोग किया था और उससे इसमें कंट्रोल नहीं हुआ, जब इन्होंने निस्टोड का प्रयोग किया तो उनको काफ़ी फ़ायदा हुआ। किसान साथियों, ये किसी कंपनी का प्रचार नहीं है और ये किसानों द्वारा भेजी गई ही वीडियो है। मैं वही चीज़ दिखाता हूँ जो किसान प्रयोग कर चुके होते हैं या मैं प्रयोग करता हूँ। वेलम प्राइम 8,000 रुपये लीटर आती है और निस्टोड आपको घर पर लगभग 1,000 रुपये लीटर पड़ती है। आप देखिए कि कितना सस्ता उपाय है उससे।
इसके साथ ही मैं एक बात और साझा करना चाहूँगा। एक और मैंने प्रयोग किया है, एक मेरे किसान भाई ने एक जैविक दवाई का उपयोग किया है और वो दवाई निस्तोड़ से भी सस्ती है। अभी एक ने किया है, एक दूसरे किसान को मैंने और बताया है कि आप भी इस दवाई का प्रयोग करिए और मुझे इसके रिजल्ट बनाइए। वो भी प्रयोग कर रहे हैं और जब उसके रिजल्ट आ जाएंगे वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। मेरा उद्देश्य किसी एक दवाई का प्रचार करना नहीं है, मेरा उद्देश्य किसानों को शिक्षित करना है और किसानों को सस्ती से सस्ती और अच्छी से अच्छी दवाई मिले, मुझे इस दिशा में प्रयास। साथियों, ये था हरियाणा से और राजस्थान से दो किसानों ने किस प्रकार निस्तोड़ का प्रयोग किया और उन्होंने अपने अनुभव साझा किए। आप भी अगर आपके यहाँ निमाटोड आता है तो बेझिझक इस दवाई को प्रयोग कर सकते हैं और इसके लिए जो तुषार भाई हैं अहमदाबाद के, उनसे संपर्क कर सकते हैं जिसका नंबर मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। किसान साथियों, ये था मेरा एक प्रयास अमरूद में निमाटोड की बीमारी से सस्ती दवाई से उसका इलाज करना। इसी के साथ विदा लेता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।